वर्ल्ड वॉर टू में जैपनीज इंपीरियल आर्मी के जनरल टोमोयाकी यामाशिता को ये टास्क दिया गया कि जहां भी वो ये कब्जा करते जा रहे हैं वहां लूट मार करना शुरू कर दें। फिलीपीन पे भी जैपनीज इंपीरियल आर्मी ने कब्जा किया था। ऑर्डर्स को मानते हुए उन्होंने धड़ाधड़ बैंक गवर्नमेंट लॉकर्स में से सोना चांदी लूटना शुरू किया और उसके बाद ही खजाना गारों में और अंडरग्राउंड चैम्बर्स में छुपा दिया। उन्होंने छुपाया इस वजह से था क्योंकि जंग के दौरान वो ये खजाना वापस जापान ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसिफिक ओशन में जंग चल रही थी और कई बहरी जहाजों को अलाइड फोर्सेस निशाना बना लेते थे। आने वाले वक्त में जापान जंग हार गया और उसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन जिन सिपाहियों ने ये खजाना छुपाया था वो या तो मारे गए या फिर उनको कैदी बनाया गया। वो लूटा गया खजाना कहाँ छुपाया गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद किसी को भी मालूम ना पड़ सका। अब ये यामाशिता गोल्ड के नाम से एक मिस्ट्री बन चुकी है।